बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। कृष्ण जी बनना अपने आप में अपने जीवन में बहुत ही बड़ी खुशी है। हम हर कोई नहीं बन सकता। क्या भाव आ रहे हैं अंदर से जब बने हो आप? तो भाव तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। सब लोग इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। सब लोग का भगवान के प्रति जो भाव है वो बाहर आ रहा है। कोई संदेश देना चाहते हो जनता को? सब लोग भगवान में हमेशा मानते रहे, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। मैं रुक्मणी का स्वरूप बनी हुई हूँ और ये स्वरूप मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से बनी है एंड बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा प्रसन्न का ये मौका है कि ऐसा रूप धारण करने का मौका मिला है और सबको आशीर्वाद देना भगवान के रूप बनकर, तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। इससे पहले भी बनी हुई या आज ये पहली नहीं, बार है? आज ये पहली बार है। तो कुछ संदेश? संदेश सिर्फ यही है कि बस भगवान की भक्ति में मगन हो जाइए और आपको सब चीज़ें मिलती जाएंगी। लक्ष्मीनारायण मंदिर कमलानगर में स्थित है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन चल रहा है, मतलब सातवां दिन है और आज रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह का आयोजन हुआ है और उसमें स्वरूपों के बहुत सुंदर अति सुंदर दर्शन हुए हैं और इन शास्त्री जी के श्री मुख से सबने पूरी रुक्मणी विवाह का पूरा वर्णन सुना है और बड़ा आनंद और काफ़ी भीड़, काफ़ी अच्छी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई है और सबने रुक्मणी विवाह में अपने अपने हिसाब से कन्यादान किया है, साड़ी दी है, मेकअप का सामान हुआ है और बहुत अति आनंद आया है। आगे क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? अब हमारे पास कल का एक दिन है जिसमें कि कल यानी इसका समापन होगा। सुदामा का चरित्र उसमें उस दिन हुआ तो सुदामा का स्वरूप बनाया जाएगा और उसकी पूरा वर्णन किया जाएगा श्री शास्त्री जी के मुख से। तो कल उसका आयोजन है, परसों इसका भंडारा है। आज कथा जो मंदिर प्रांगण में हो रही है इसमें आज मेन जो था, कल भगवान वृंदावन से, आज वृंदावन से मथुरा उनके मामा कंस ने बुलाया था और वहाँ अपने सब के साथ मथुरा गए हैं और मथुरा युद्ध हुआ है। युद्ध में उन्होंने कंस को भी मार दिया है, बाकी सब सेना को उनकी मार दिया है और अपना राज पूरी तरह से कर लिया है और अब इसके बाद जो है रुक्मणी विवाह होगा और इसके लिए सब लोगों में बहुत उल्लास है। सब लोग बराती बन के भी आए हुए हैं, इधर रुक्मणी की तरफ से घराती बन के भी आए हुए हैं, दोनों तरफ से बहुत उल्लास है और इसके बाद रुक्मणी विवाह संपन्न होगा। जो है रुक्मणी विवाह हो चुका है और सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। कथा जो है पंडित जी जो हैं बहुत अच्छे रूप में सुना रहे हैं, मतलब बहुत भाव विभोर होके कि पंडित जी को सुनाते सुनाते आँखों में पानी आ जाता है। तो मतलब जो सुनने वाले हैं वो भी दुख से दुखी हो जाते हैं थोड़े। कृष्ण हाँ जो बने हैं वो आपके परिवार की बिटियां हैं? हाँ वो मेरी बिटिया है। तो क्या आपको फील हो रहा है उसके लिए? वो तो जब बच्चा बन जाता है जो वही रूप आ जाता है, वही स्वरूप आ जाता है, बिल्कुल भगवान वाला रूप आ जाता है ना। जब किसी भी बच्चे को हम बनाते हैं, कोई स्वरूप देते हैं उनको, तो वही रूप आ जाता है। फिर मेरी बेटी सिमोन बंसल रुक्मणी बन रही है। आज रुक्मणी विवाह में उसका मतलब विवाह हुआ है। आज कथा में हमने रुक्मणी विवाह कृष्ण जी के साथ का प्रसंग दिखाया है और पूरा उसमें राधा के साथ थे वो और फिर उसके रुक्मणी आई, उनके साथ विवाह हुआ। बहुत ही सुंदर प्रसंग का व्यास जी ने प्रस्तुत करी है, पूरी कथा हमारे सामने बहुत सुंदर चित्रण दिखाया गया है और आज ये कथा पूरी हो रही है जिसमें रुक्मणी का विवाह कृष्ण जी के साथ हुआ। ये भागवत व्यवस्था विश्व कल्याण के लिए की जा रही है। पहली बार भागवत पीने के लिए होती है, उतारने के लिए होती है, भागवत सुनने के नहीं होती। भागवत सुनना दूसरी चीज़ है और भागवत का पीना ग्रहण करना भागवत का पूरा निचोड़ है। भागवत को अपने शरीर में उतारना चाहिए, अपने आचरण में उतारना चाहिए। माँ सीता का कैसा प्रेम था, लक्ष्मण राम भैया का दोनों भाइयों में कैसा प्रेम था, माँ सीता की रसोई कैसी थी, परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये भागवत कथा परिवार को चलाना सिखाती है, परिवार को रास्ता दिखाती है। अगर परिवार भागवत के ऊपर लोग चलेंगे तो मैं समझता हूँ राम राज आ जाएगा, कभी कोई किसी तरह का कलेश नहीं होगा और सब सारा विश्व प्रेम से रहेगा। भागवत का निचोड़ तो ये है। आज हमारी कथा में उन्होंने व्यास जी ने ये बताया कि जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़ के जा रहे थे तो वियोग में दिखाया कि गोपियाँ और सारे ब्रजवासी इतने दुखी हो गए थे, मतलब वो सब सारा सुन के हम लोग पंडाल में भी जितने लोग बैठे थे उनकी भी सबकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर बाद में जब रुक्मणी विवाह हुआ तो सब खूब नाचे, खूब हर्ष हुआ, खूब गीत हुए, खूब सबने उल्लास किया, खूब अच्छा लगा। जो हमारी कथा व्यास जी हैं उन्होंने सबको ये संदेश दिया
कि सब लोग जो है जो कृष्ण जी का उपदेश है उसको सुने और उसको अपने आचरण करें और सब लोगों की भलाई के लिए सब लोग काम करें। उन्होंने बस हमको यही समझाया और कृष्ण जी का यही संदेश था कि बस सब लोगों की भलाई के लिए काम करें और अपना अपने आचरण अच्छे रखें, जिससे कि भगवान अपने आप स्वतः ही आपके मन में बस जाएंगे। और कण कण में भगवान है ही, तो आप में भगवान हैं और सब भगवान आत्मा सब में वास करती है। तो बस यही हमारा एक सबसे कहना है कि बस कृष्ण जी के उन पर चलें और सब लोग बस कृष्ण में भाव होकर अपना कृष्ण जी के अनुसरण करें। तो भागवत महाराज जी ने हमें सुनाई, उसमें सबसे बड़ा तो हमें जो वियोग गोपिकाओं का था उससे एक इतनी शिक्षा मिलती है कि हमको कितना वो मतलब भक्ति में लीन थी और उस लीनता में वो अपना तन मन धन सब कुछ नौछावर कर चुकी थी और वो प्रेम की पराकाष्ठा थी। तो महाराज जी ने इस कथा के माध्यम से ये संदेश दिया कि ज्ञान से ऊपर प्रेम है, प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। प्रेम के बगैर केवल ज्ञान तो तर्क का कारण बनता है और तर्क में कभी भगवान नहीं मिल सकता। स्वरूपों के बारे में बताइए, जो स्वरूपों की लीला हुई आज आज रुक्मणी विवाह था, हमारे कृष्ण भगवान साक्षात कृष्ण का रूप लग रहे थे और सभी लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद रुक्मणी जी का आगमन हुआ, रुक्मणी जी का विवाह हुआ और लोग झूमने लगे और नाचने लगे मस्ती में। समाज के लिए कोई संदेश? और समाज में ये संदेश है कि प्रभु की भक्ति में लीन होकर ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम तर्क और वितर्क और कुतर्क में जाएंगे तो वो उसका परिणाम प्रभु से प्राप्ति का नहीं हो सकता। आज हमारी भागवत है समापन के लिए जा रही है, कल हमारा उसका आखिरी दिन है। आज हमने यहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह कराया, रुक्मणी जी और राधा कृष्ण का विवाह हुआ और हमने बहुत उल्लास से, सारी महिलाओं ने बहुत आनंद लिया और चारों तरफ देख रहे हो कितना हल्स है, सब लोग बहुत झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और कल हम सुधामा चरित की लीला गुरु जी करेंगे। आचार्य विशुद्ध शास्त्री जो जिस हिसाब से भागवत कह रहे हैं उसमें ऐसा रस बह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यह आनंद की बौछार हो रही है, चारों तरफ उल्लास ही उल्लास।